नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज़ में। आज हम लोग बात करेंगे लॉयड स्टील्स की। जी हाँ, अब लॉयड इंजीनियरिंग वर्क से नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप बम्पर रिजल्ट्स देख पा रहे हैं, कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 312% अप है सेल्स। इबिट्टा की बात करेंगे तो 235% ऊपर। नेट प्रॉफिट लगभग 150% ऊपर। और अर्निंग पर शेयर्स की बात करेंगे तो 112% ऊपर। तो यहाँ पर कंपनी ने रिजल्ट्स तो तगड़े पोस्ट किए हैं। यहाँ पर अभी हम लोग आगे रिजल्ट्स को डिटेल में देखेंगे और पिछले सालों का क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपेयर भी करेंगे कि किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में चार्ट नहीं देखेंगे। इसके लिए मैंने अभी कल शाम को वीडियो डाला है जहाँ पर मैंने चार्ट एनालिसिस किया है और कंपनी ने पार्टनरशिप करी एक जापान की कंपनी से, उसके बारे में हमने पूरी चर्चा करी उस वीडियो में। उसको मैं आई बटन पर डाल दूंगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं और आपको वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। या मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल गंवा बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ। जैसे देखिए, अभी मैंने डायल से लॉयड स्टील के नंबर्स आए हैं, तेजस नेटवर्क के, पेटीएम के, तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो यहाँ डालता हूँ। और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मेरा जो लॉयड स्टील पर मैंने वीडियो डाला था अभी कल शाम को, वो भी आपको यहीं मिल जाएगा। और अपने वीडियोज़ के यहाँ पर लिंक वगैरह शेयर करता हूँ। अभी इससे पहले मैंने जयप्रकाश एसोसिएट्स पर डाला था, अडानी डील पर क्या कंपनी ने जवाब दिया है, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह और वीडियोस के लिंक डालता रहता हूँ यहाँ पर। तो ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 तारीख को रिजल्ट्स आए हैं। बीएससी और एनएससी दोनों को इन्फॉर्म किया है फिलहाल। और यहाँ पर आप देखिए, रिजल्ट्स जो हैं यहाँ पर काफ़ी छोटा छोटा लिखा है, इसको भी हम आगे बहुत अच्छे से पिछले कई सालों से कंपेयर करके आराम से तसल्ली से देखेंगे। तो यहाँ पर अभी समय वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग हुई है इनकी, और जो यहाँ पर आउटकम निकल के आया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अप्रूव करी गई हैं, उस पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग फिलहाल देखेंगे। तो यहाँ पर चौथा नंबर अगर आप देखेंगे तो कंपनीज ऑर्डर बुक पोजीशन ऑन 30 सितंबर 2023 इज ₹92,138.61 लाख, यानी कि लगभग 921 करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पर कंपनी के पास हैं एज ऑन 30 सितंबर 2023 तक का। तो यहाँ पर कंपनी के पास फिलहाल अच्छे खासे ऑर्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आप 11 नंबर पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, यानी कि BARC से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के लिए यहाँ पर करार करा था 13 सितंबर 2023 को। फिर उसके बाद यहाँ पर MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर द मटेरियल वर्क्स जो ये USA की फर्म है, और उसके बाद फिर यहाँ पर TB ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ यानी कि जापान की एक फर्म है, इससे यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप करी है 19 अक्टूबर 2023 यानी कि परसों। तो इस पे भी मैंने कल वीडियो बना के जो डाला है, मैंने इसी के बारे में सारी डिटेल्स बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, वहाँ पर मैंने लेवल्स भी जो है इंपॉर्टेंट लेवल वो डिस्कस किए हैं। तो अब बात करते हैं गाइस क्वार्टरली नंबर्स की। यहाँ सारी वैल्यू आप करोड़ में देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम सेल्स देखते हैं। सेल्स आई हैं 122 करोड़ की, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में सितंबर 2022 में थी 30 करोड़। तो वहाँ से आपको लगभग 4 गुना देखने को मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और पिछले क्वार्टर यानी जून वाले क्वार्टर में बात करेंगे तो 113 करोड़ थी, वहाँ से भी आपको जंप देखने को मिलता है। वहीं हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पर 20% के आए हैं। इससे पिछले क्वार्टर में 13% के थे, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में बात करेंगे तो 24% के थे। तो वहाँ से थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, लेकिन पिछले क्वार्टर से आपको जंप देखने को मिल रहा है। बात करें हम लोग नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए 19 करोड़ का आया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 8 करोड़ का था। तो यहाँ से आपको एक जंप देखने को मिलता है अच्छा खासा। और पिछले क्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 करोड़ था, तो यहाँ से भी आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। बाकी गाइस आप वीडियो को पॉज करके पूरा जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, मैं डाटा तो आपके सामने पूरा ही होता है, अब मैं पूरा बताऊँगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बात करते हैं ईयरली लेवल पर सारी वैल्यू करोड़ में। सेल्स अगर आप देखेंगे तो 467 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ में ही हो चुकी हैं। पिछले साल की बात करेंगे तो 313 करोड़, उससे पहले 50 करोड़, 70 करोड़, 114 करोड़। तो पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर आपको एक बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पर देखिए 15%, 17%, 9%, यहाँ पर तो माइनस में ही था, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद पिछले 3 सालों में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। बात करें हम लोग नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर देखिए 51 करोड़ का प्रॉफिट अभी हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ में, उससे पहले 37 करोड़, उससे पहले 6 करोड़, उससे पहले नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पिछले 3-4 सालों में आपको एक बढ़िया अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है पिछले 3-4 सालों में, और इसी वजह से अच्छा खासे रिटर्न भी यहाँ पर कंपनी दे चुकी है। बात करें बैलेंस शीट की, सारी वैल्यू करोड़ में है, तो यहाँ पर रिजर्व्स आप देखिए कंपनी के पास 154 करोड़ के रिजर्व्स हैं एज ऑन सितंबर 2023, उससे पहले देखेंगे तो 89 करोड़, 30 करोड़, 24, 23, 20, 17 पीछे। तो यहाँ पर रिजर्व्स भी आपको लगातार अपट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं।
बोरोइंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 52 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था, बोरोइंग्स थी, जो कि अब घट के 22 करोड़ आ गई, तो यहाँ पर कंपनी ने इसको भी कम किया है। और रिटर्न्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ईयर टू डेट में 201% रिटर्न, एक वीक में 93% रिटर्न, एक महीने में 12%, 3 महीने में 47% और 6 महीने में यहाँ पर देखिए 150% रिटर्न यहाँ पर दिए हैं, यानी कि 1,00,000 to 2,50,000 रुपये इसने बना दिए हैं मात्र 6 महीने में। एक साल में 256% रिटर्न, 2 साल में 854, 3 साल में 7,392 और 5 साल में 3,646% रिटर्न। अब कोई शेयर गाइस जितना भाग चुका है 6 महीने में अगर, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपको अभी एंट्री बनाने थोड़ा सा बचना चाहिए। और यहाँ पर रिजल्ट जो है इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा मंडे को, तो मंडे को किस तरह से रिएक्ट करता है यहाँ पर, यह भी बहुत बड़ी नज़र रखनी होगी। और बाकी रही चार्ट की बात, तो गाइस इसके पहले जो मैंने कल वीडियो डाला उसमें मैंने चार्ट पे पूरा एनालिसिस किया है, सारे लेवल्स मैंने जो क्रूशियल लेवल्स हैं उसको भी डिस्कस किया है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। और एक चीज़ और बता दूँगा गाइस कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ठीक है गाइस, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे, ये मेरे पर्सनल व्यूज होते हैं, मैं साफ साफ बोलता हूँ, गलत हो सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।